और शंखनाद ग्रुप द्वारा जो आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें जो है ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है मैं बता देती हूँ। हरियाणा से जो है, हम भी हरियाणा से है ना, तो हरियाणा से जो हमारी टीम आई हुई है। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो के माध्यम से आप देखोगे कि इन्होंने जीत कैसे हासिल किया है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है इन्होंने जीत हासिल किया है। रावत ने जो क्षेत्र रक्षण रखा है उसके लिए एक पॉइंट रखा है। स्लिप के बीच की जो गली है 38 सर्किल के अंदर, एक अगर देखें तो एक बैकवर्ड पॉइंट जिसे एक्स्ट्रा स्क्वायर लेग कह सकते, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर बाएं हाथ के बल्लेबाज 38 सर्किल के अंदर और एक खूबसूरत बैक टू कूलर इस समय बैट को पीएनसी लाइन पर लाए। सिलावत में अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और ये गेंद टकराई उनके कंधे से, हवा में उठी उठी थी गेंद और ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस समय ऑफ स्टंप के बाहर आत्मविश्वास से भरपूर गेंदबाजी मैकुरी के कादस के जो कप्तान है शरावत के द्वारा। पिछला मैच जीतने के बाद इस मैदान पर अनुभव प्राप्त किया है, रनिंग अप तो अच्छी की है और इस समय तो और ये देखिए शरावत और अच्छा इस समय देखने रोक पाते, बहुत अच्छा क्षेत्र थे वहां पर मिड ऑन पर। और आज दोनों अंपायर इस बात का ध्यान रखते हैं, अंपायर सख्त रहते हैं। शेरावत और अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस समय विकेटकीपर ने कलेक्ट किया बिना किसी रन के। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, धीरे धीरे इस मुकाबले को देखने के लिए परमवीर और अगली गेंद ऑफ स्टंप के फिर से बाहर, बेहतर लेन फॉर लाइन की गेंद। तारीफ करने को पहला ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर की समाप्ति शून्य, ये मैरन ओवर। सहयोग हमारे सपना ग्रुप को मिला है, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। शिवम परिवर्तन पहला और वीरेंद्र है स्ट्राइकिंग एंड पर। पिछले मैचेस में भी शिवम ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वाइड कर दिया है, पॉइंट पर बैकवर्ड किया है और समय कोई नौता नहीं वहां पर होगा। चार रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर, शिवम दूर वाली छोड़ से और फिर से शॉट, समय कोई मौका नहीं गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। पहली गेंद में चौका, दूसरी में माफी जो पहली गेंद में छक्का लगा था, दूसरी में चौका लग गया है। दो गेंदों में 10 रन बना दिए है बल्लेबाज ने और दोनों ही क्रिकेटिंग स्टूडेंट है, इस तरह से ज्यादा रिस्क नहीं लिया है शिवम। ये गेंद फिर से गिरा इसको बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, क्यों भेज रहे बार बार और ये फिर से लंबा स्ट्रोक, इस समय 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर के खड़े हैं खिलाड़ी का से बाहर कर रहे हैं। फिलहाल आए ये गेम इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन से खाता खोला परमवीर ने, पहला प्राण के हटाया विकेट, ये गेंद अवश्वार विचार से धकेला इसे, लेकिन रन करते ये गेंद हवा में, यहां पर पहला झटका लग सकता है, पहली सफलता मिलती हुई मैकुरी को, काफी खुश हुए यहां पर अच्छे दर्शक। हालांकि हवाई शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन ठीक बल्ले पे आई नहीं ये गेंद। काको आए हैं नए बल्लेबाज, धीरे धीरे कर दो अंपायर को पार करते पाए हाथों में बदल गई गेंद, बेहतरीन गेंद कही जाएगी। चिरा चिरा दाएं हाथ से मुझे भी गिर रही गेंद, बेहतरीन गेंद इस बार शिवम के द्वारा, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन बनाने का, जाने रोक दिया इस गेंद को विकेट कीपर के दस्तान में, अंपायर को पार करते हैं।
यहाँ से गेंद इस बार गेंद हवा में है, देखना ये होगा। जी हाँ, सुरक्षित हाथों में पहुंची ये गेंद। दूसरा झटका लगता हुआ लाइफ स्टाइल कैप्टन को 51 मिनटों पे। दोनों ही सलामी जोड़ी अब मैदान से बाहर जा चुकी है। हालांकि काकू अली नाबाद है मैदान पे, देखना होगा काकू का साथ देने के लिए कौन बल्लेबाज आता है। जी हाँ, नए बल्लेबाज पीडी है। हालांकि फुल फॉर्म हम तक नहीं पहुंचाया गया है, जब पहुंचाया जाएगा तो जरूर दर्शकों तक सुनाया जाएगा। फिलहाल तैयार ये गेंद इस बार जबरदस्त अपील अंपायर को घिरा जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा। आदित्य पांडे ऑल स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज काकू। जी हाँ, जो हमारे सेमिनार ग्रुप के सचिव हैं गौरव मनु, अनुशासनात्मक समिति के आप अध्यक्ष हैं, तो ये एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही टूर्नामेंट संचालित हो रहा है। किसी प्रकार की जो एक्सेसिव अपीलिंग या दबाव बनाने की कोशिश अनुशासनहीनता के अंतर्गत आ जाएगी। और अगले बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, सीधे क्षेत्र रक्षण जो मिड विकेट पे क्षेत्र रक्षण कर रहे थे, पहली चूक, पहली सफलता मिलती पांडे को। गेंद और अच्छी गेंद, इसमें बैटिंग पर खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पांडे की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद पे ललचाया था बल्लेबाज को और उस लालच में आ गए थे काकू, तो ऐसी चूक हो जाती है। अगली गेंद, और इस समय बल्लेबाज समझ गए एक बार उनको जीवन दान मिला है, उसका लाभ लेना चाहते, आंखें और जमाना चाहते पांडे। अगली गेंद खूब सारा चौधरी शूट किया गया, बाउंड्री के बाहर छोड़ देते हैं। लटाम पूरा विकेट अप, और ये गेंद इधर तक फिर बहुत आसानी से दौड़ते हैं दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। पाई के रूप में दर्शकों की तादाद की भरमार हम देख सकते हैं। ऐसे मुकाबले हम टेलीविजन पर हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला या देहरादून जैसे शहरों में देखते हैं, जहां आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते हैं। पांडे अगली गेंद नीचे रही, उसको कट किया, जब तक गेंद को फेंक करते रन की कोई वहां तो संभावना नहीं। राउंड द विकेट गेंद, और उसको हल्के हाथ से खेला शॉर्ट विकेट विकेट की तरफ, एक रन के लिए आसानी से तैरते हुए रन पूरा किया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 79 के योग पर। अंदाज थोड़ा सा बादल जरूर है, भारी मौसम, और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिलिप किया गया थर्ड में, थर्ड में ट्वेंटी के बाहर चार रनों के लिए। आयुष अगली गेंद, इस समय बेहतर गेंद थी, चकमक आया बैट फैन के पीछे से विकेट की तरफ की ग्लव्स में गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन बल्लेबाज आयु। अगली गेंद खूबसूरत चार, समय कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए। सामने बल्लेबाज काकू आयु, राउंड द विकेट, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बेहतर इसमें चकमा दिया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्लेबाज स्ट्राइक है। और खूबसूरत शॉट, समय देखना हो पाए, समय बेहतर क्षेत्र रक्षण, एक रन के लिए आसानी से छोड़ कर। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आभार, और जिस प्रकार से लाइफ स्टाइल गैर सेंस में बल्लेबाजी कर रही है,
हालांकि कहना होगा तो अर्टी ब्रेक थ्रो जरूर मिले हैं पक्षी टीम को। बहरहाल ये गेंद और ऑफिसन से बाहर गेंद खेत खाली जरूर करना चाहते थे बल्लेबाज, आउट में वापस ला चुके हैं। बहरहाल ये गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद कही जा सकती है, एक उछाल लेती हुई एक्स्ट्रा बाउंस के साथ बल्लेबाज आदित्य पांडे, आदित्य कहना होगा परवेज बीटी इस समय स्ट्राइकर एंड पर है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर काफी खेल रहे हैं, दोनों बेहतर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये गेंद और इसको खूबसूरती के साथ गेंदबाज की दिशा में वापस छोड़ा है, हालांकि वहां से गेंद लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई और नो नोट के फील्डर ने एक तेज बॉल के गेंदबाज, ये गेंद और काकू ने उसको खूबसूरती के साथ खेला है, हालांकि बेहतरीन फील्डिंग वहां पे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और कोई रन न लेकर हो। ये गेंद अच्छी गेंद एक बार फिर से बहुत शानदार गेंद मिली जा सकती है, ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की तरफ निकली, मुंबई की जेपी जिस प्रकार से देखा जा सकता है दूर छोर से गेंदबाजी कर दी सब। ये गेंद एक बार फिर से वही लाइन लेंथ बहुत शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी और इस जॉट बॉल के सहारे अब ओवर की हुई समाप्ति, तो नो ओवर तो डेथ ओवर होंगे, भरपूर फायदा उठा सकती है बल्लेबाजी टीम। बहरहाल ये गेंद एक बार फिर से खेलना जरूर चाहते थे इसे बल्लेबाज परवेश, लेकिन अंतिम समय में जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। बहरहाल ये गेंद एक बार फिर से व्हाइट गेंद का इशारा आया है मुख्य अंपायर के द्वारा, हाँ बहरहाल ये गेंद अच्छी गेंद एक बार फिर से नीचे रही, इस समय ये गेंद कभी कभी नीचे रह जाती है गेंद और क्योंकि मैं जरूर डाल देती हूँ बल्लेबाजों को। ये गेंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, इस समय अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी, जिस प्रकार की गेंदबाजी की बहरहाल दरकार है इस समय, मैं खुद इलाउन को आयुष गेंदबाज बाएं हाथ से हल्के रनअप के साथ, ये गेंद बेहतरीन शॉट है गेंदबाजी के बाहर चार रनों के लिए, ये गेंद और इसको खूबसूरती के साथ खेला, हालांकि उसके नीचे फील्डर जरूर है और मैं गेंद देख रहा हूं भैया और ये आउट, पूरी तरह से टाइमिंग मिस हो गई और अच्छी टाइमिंग का शॉट नहीं कहा जाएगा, सीधे थमा बैठे इस कैच को मिड ऑफ, तीसरा झटका लगा लाइफ स्टाइल गैरसैन की टीम को, जबकि स्कोर है 96 रन। इससे पहले बल्लेबाजों को चाहिए कि यदि किसी ओवर में एक बाउंड्री अगर आ गई है, सिग्नल भी मिल रहे हैं, तो अप्रत्याशित कहना होगा अनावश्यक रूप से बहुत लालच पर नहीं आना होगा, यदि इस स्कोर को एक मनोवैज्ञानिक तौर पर 150 के ऊपर पहुंचाना है। बहरहाल आयुष पर फिर से ये गेंद और इसे खूबसूरती के साथ खेला है गेंद जारी है लॉन्ग रन के क्षेत्र में, नहीं रोक पाएंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर, 100 रन तीसरे अंकों के आंकड़े को छूती हुई 100 रन तक और 3 अंकों का आंकड़ा 100 रन और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज भी आउट होकर के डग आउट में, 10 ओवरों की समाप्ति हुई, तो 10 ओवरों की समाप्ति पर जो टीम का स्कोर है वो है 100 रन। पहला जो विकेट का पतन हुआ था 31 रन पर, दूसरा 51 रन पर, तीसरा अभी 96 रन पर और उसके बाद 100 रन अब तक बना पाई है, 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और खाता नहीं खोल पाया आयुष, तो चौथे विकेट का पतन होता है 101 रन अभी पर, पारी का जबकि समय 11 ओवर पर गति पे है, तो ये गेंद सोनीपत से बिलोंग करता है और दूसरे पानीपत से बिलोंग आए हुए हैं, फिलहाल अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं विक्की पवार, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी विक्की पवार ने, उनका होम ग्राउंड है जहां महेश्वरी ने भी हरियाणा के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई थी, अब इस समय देखना होगा विक्की पवार क्या कर पाते हैं, किस तरीके से गेंदबाज का सामना करते हैं, किस तरीके की भूमिका अदा करते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल गेंदबाज तैयार,
योगेश विकी प्रधान पहली बार सामना करेंगे योगेश की गेंदबाजी का। योगेश ने पिछली गेंद से सफलता अर्जित की, क्लीन बोल करके आयुष को पवेलियन भेजा है। उत्साह जरूर होगा गेंदबाज के पास इस समय, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए गेंदबाज योगेश। विकी प्रधान के लिए ये गेंद छेड़खानी जरूर करना चाह रहे थे विकी प्रधान। ओवर में अगली बार विकी प्रधान लोकल हीरोज कुछ खास नहीं कर पाए, खाता भी नहीं खोल पाए विकी प्रधान इस पर मौके के लिए गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार योगेश की। फिलहाल फेरावत आए काकू के लिए गेंद सीधे हमारे समंदी बॉक्स के ऊपर गेंद आती खेलाने के लिए। राजलाल स्ट्रोक खेला सही टाइमिंग के साथ इस गेंद को भापा चौके द्वारा इस समय। पार करते होता है यहाँ पर लॉलीपॉप गेंद और अपना ही शानदार स्ट्रोक खेला इस गेंद से लगे अंपायर के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए 119 रन। दूसरी बॉल उसके शरीर पर पार करते हुए इस बार बल्ले का अंग्रेज की जरूरत थी लेकिन काफी तेज की बात हो सका गया और दूसरा रन लेना चाह रहे थे यहाँ पर काकू और दूसरा रन के लिए दौड़ पर रहे हैं और पूरा भी कर लिया है। ओवर समाप्त होता हुआ योगेश की ये गेंद और शॉट बिहाइंड की अपील वहां पर क्लच स्टंपर आउट। इस तरह से इस गेंद को खेलने की कोशिश में लीडिंग एज दिया विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 37 के ऊपर वापस जा रहे हैं काकू। तो ये करारा झटका है मजे हुए बल्लेबाज से आंखें जम चुकी थी चारों तरफ से पूर्ण तरीके से आउट हुए हैं। पूरे 22 के ऊपर योगेश की अगली गेंद और समय वाइड स्विंग करना चाहते थे लंबा हिट लगाने की कोशिश सफल नहीं हुई। योगेश की अगली वापस जाएंगे सातवां झटका लगा है लाइफ स्टाइल के एक्शन को। इनिंग्स का 13 ओवर चल रहा है और बेहतरीन वापसी की है मधुली का दस ने उनके द्वारा इस खिलाड़ी इस योगेश गेंदबाज को 100 रुपया का पुरस्कार उनके द्वारा था। हमारा बैंक के लिए बोलो क्या दुगुना करते हैं खूबसूरत शॉट से वापस अच्छा पहली बार यहाँ पर कोर्ट छोड़ा था लेकिन इस समय कोई गलती नहीं करी क्षेत्र रक्षक ने। तो इस तरह से ये 8वां झटका लगा है लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेने के पश्चात हैट्रिक पर है गेंदबाज और देखना है कि अगले बल्लेबाज उनका सामना किस तरह से करते हैं। हमारे अध्यक्ष संतनाथ ग्रुप के सम्मानित अध्यक्ष पंकज गौरव जी द्वारा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कुमार सिंह रावत जी को एक मोमेंटो और साथ ही गिफ्ट हैंपर भेंट किया जा रहा है। मीडिया कर्मी कृपया इस बेहतरीन दृश्य का अवलोकन करें और इसे अपने कैमरे में कैद करें। हमारे बीच में यूट्यूबर ASKL चौहान मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसको सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक पुरस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ और ओवर भी समाप्त हुआ। ये मुख्य अतिथिगणों को पंडित सुबोध गौर जी जो कि राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा ये दिया जा रहा है, भरपूर मनोरंजन हो रहा है। अगली गेंद और ये रन आउट का खतरा हो सकता था। कहा था कि भाई मजाक तो आप मजाक में लीजिए दूर वाले छोड़ से छोड़ो। अगली गेंद और यहाँ पर उसको हवा में उठा दिया है कप्तान स्वयं वहां पर उस मंजूर ने उसको अपने फलतों में पकड़ा
तो अब अंतिम जोड़ी मैदान पे होगी। अब इनिंग सत्रह चल रहा है, 14 ओवर बाकी जो चल रहा है और तारीफ करनी होगी। अपनी गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया है और लगातार निरंतर अंतराल के बाद उन्होंने विकेट चटकाए हैं। और जो कि सर दोनों को ही लास्ट ओवर तक खेलना चाहिए। अगली गेंद शुरू उनके हाथों से और ये गेंद खूबसूरत शॉट यहाँ पर देखना रोक पाते हैं नहीं, गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए अंतिम जोड़ी मैदान पर। 132 रन की टीम का स्कोर इनिंग का 14 ओवर दूर वाले छोर से जारी है। हमारे मित्र किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दूर वाले छोर से शिवम, ये अगली गेंद बेहतर गेंद थी और स्टंप के बाहर जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। अंत की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ 133 रन। किया टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक योगेश के नाम, 5 विकेट लिए हैं, 6 विकेट है योगेश के। लाजवाब गेंदबाजी योगेश के द्वारा, इनके साथ कोई भी दर्शक खड़ा नहीं है। हालांकि तालियां थोड़ा, ये दो गेंदबाजों का नाम रह गया, मैं वो भी आप तक पहुंचा दो। आयुष है, आयुष ने 3 ओवर करे, 1 वाइड फेंके, कोई मेडल नहीं, 1 विकेट प्राप्त किया, 25 रन बनाए। चुका योगेश है जिनने शानदार गेंदबाजी की। अपने साथी कॉमेंट्री कर JP पंसारा और जगदीश के साथ एकदम तैयार हूँ। साथ ही अपने ये पहले ओवर की पहली गेंद, ये गेंद हल्के हाथों से इसको धकेला है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में और एक रन से अब खाता खोल लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर 1 रन, खाता खुला। टीम पोजीशन फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में जरूर रखी है। सीधी संभावित है और ये गेंद जा रही है स्पीड सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। प्रगति पर बाएं हाथ से ये गेंद और अच्छी गेंद, इसको खूबसूरती के साथ पहुंचा दिया है। गेंद जारी है वाइडिश थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए। ये गेंद और इसको हल्के हाथों से खेला है। गेंद जारी है धटपट पॉइंट के क्षेत्र में और सफाई के साथ बिल्डर्स के द्वारा जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का पूरा कोशिश की गई लेकिन पूरी तरह से चूके। बाकी काम किया डीप गली के क्षेत्र रक्षक ने और सफाई के साथ फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के सहारे 14 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अगली गेंद, ये गेंद और इसको खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद जारी है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये गेंद और इसको खूबसूरती के साथ खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में लेकिन स्टेडी के साथ मिड ऑन के फील्डर ने इसको फील्ड किया। कोई अवसर नहीं था शेरावत के पास रन लेने का, वापस अपने कदमों को खींचा क्रीज में। एक बार फिर से ये गेंद इसको खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद जारी है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो शेरावत बेहतरीन स्ट्रोक लगाते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जानते हैं। JP जिस प्रकार से पूर्व के मैचेस में शेरावत की बल्लेबाजी को हमने देखा है, एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। ये गेंद और इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया। गेंद जारी है डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो शेरावत अपने इरादे एकदम स्पष्ट करते हुए और इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तीसरे ओवर की इससे पहले की पहली गेंद राइट आर्म ओवर गेंदबाजी के लिए। ये गेंद शिखर बल्ले का बाहरी किनारा, इस प्रकार से पहले विकेट का पतन हुआ तो इससे विकेट कीपर का कोई गलती नहीं थी। विकेटों के पीछे अच्छी गेंद फॉर्मेश के द्वारा शॉर्ट गेंद थी। टीम का स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रारंभ किया। ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल करना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो परमेश के गेंद अच्छी गेंद से खेला पॉइंट के क्षेत्र में जब तक मनीष बॉल को फील्ड करें एक रन लेने का पूरा मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। आज काफी तगड़ा मुकाबला होने की संभावना है। राइट आर्म ओवर द स्टंप परमोल
ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल करना चाह रहे थे लेकिन थर्ड पैर पे जाकर टकराई बॉल। फिलहाल कोई रन नहीं, बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने इस दूसरे ओवर में राइट आर्म ओवर स्टेम। ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, इसे खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से लेकिन फिर सफल नहीं हो पाई। हरियाणा से आए हैं लेकिन इस गैरसैंण क्षेत्र में, चोरी क्षेत्र में सभी शरावत को जानते हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। एक ऑलराउंडर के रूप में अपनी टीम के लिए खेलते हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद है, गुड लेंथ पर स्पॉट खिला रहे हैं, बार बार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, तीन ओवरों की समाप्ति पर टीम का ओवर द स्टंप। ये गेंद से पुल कर दिया, फील्डर्स के नीचे का कैच हो पाएगा, गेंद नहीं जज नहीं कर पाए, छह रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगाया सिलू के क्षेत्र में, जब तक बॉल को फील्ड किया जाए एक रन लेने का मौका। रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन जा पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर जबकि चौथा ओवर चल रहा है। 15-15 ओवरों का मुकाबला खेला जाना है। एक बार के लिए तैयार राइट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद से शॉट खेल रहे हैं थैला, डी मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए शानदार छक्का। शरावत के बल्ले से निकलता हुआ धून का स्कोर 42 रन जा पहुंचा। आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद अगर पिच बॉल से पूरा खेल दिया फील्डर उसके नीचे का आसान सके, जी हाँ छक्का गया इस फील्ड। शरावत को शेरावत इसको भांप नहीं पाए, इस प्रकार दूसरे विकेट का पतन होता हुआ रवि के ओवर में, रवि को मिलने वाली पहली सफलता, टीम को मिलने वाली दूसरी सफलता। ये गेंद इसे कट कर दिया है कमर क्षेत्र में, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए शानदार चौका। इस चौके की मदद से खाता खोला अपना शिवम ने, टीम का कुल स्कोर 46 रन जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 135 रनों का पीछा करती हुई इस बार बेहतरीन गेंद अपील जरूरी का सुधीर मिल है, बाएं हाथ से अंदर भी गेंद हल्के हाथ से धकेला ऐसे स्क्वायर लगे बार की तरफ, जब तक गेंद को फेंक दिया जाता एक और रन आता है गेंद खाते में, एक रन से बचता है उसको 48 रन। अपने ओवर में बार ये गेंद और क्या सुंदर स्ट्रोक खेला है, फाइनल एक सीमारी का से बाहर, 6 रनों के लिए गेंदबाज आए आयुष, ये गेंद और बाहर सीमारी का से बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंचा से बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन, 2 खिलाड़ियों के नुकसान थे, 135 रन का पीछा कर रही है इस समय में खुली आयुष गेंदबाजी में। आयुष आए अधिकारी सुमार लखपत सिंह रावत जी का मोबाइल फोन कहीं खो गया है, कैंपाउंड के बाहर 4 रनों के लिए, अगर किसी साथी को मिला है तो कृपया तत्काल अन्यथा की स्थिति में श्री लखपत सिंह रावत जी जो सूटर है इस इलाके के जाने माने व्यक्ति है उनको पुलिस में कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसका EMI नंबर आप यूज नहीं कर सकते हैं, लिहाजा लौटाने का कष्ट करेंगे। अगली गेंदबाज उसको खेला है लेकिन सफल नहीं, खेलना चाह रहे फिल्म का ये हिस्सा है कि कम से कम वो अपना टेम्परमेंट बना के रखे, लेकिन सबको बाहर हो और थर्ड मैन जाने के लिए बाहर 4 रनों के लिए, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 89-89 रन। मात्र 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, 8 विकेट सुरक्षित है पवेलियन में। गेंदबाज की अगली गेंद शिवम को समय बैठा पैर 7 ओवर का 1 रन के लिए आसानी से दौड़ लगाई और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर को पहुंचाया। और अगली गेंद खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं गेंद, 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर, और इस करके वापस जाएंगे लक्ष्य स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज, खूबसूरत बल्लेबाजी
शानदार बल्लेबाजी जिस तरफ से ऊपर किसी संभावित कैच के लिए और एक खेला है तो खराब चार रनों के लिए गेंद स्क्वायर बाउंड्री के बाहर और इस चौके की मदद से कुल टीम का स्कोर पहुंचा 102। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और बहुत ही बढ़िया उसके एक रन के लिए तेज दौड़ लगाई रन पूरा हुआ लक्ष्य का व्यक्तिगत स्कोर इस एक रन की मदद से पहुंचा 47 के ऊपर अपने अर्ध सदस्य मात्र धन्यवाद जी थी दूर छोर से 9 ओवर की पहली गेंद ये गेंद और उसको खूबसूरती के साथ निकाला है गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में हालांकि वहां पे फंबलिंग जरूर हुई है क्षेत्र रक्षक के द्वारा और दूसरे अटेम्प्ट में उसे सफाई के साथ फील्ड किया लेकिन नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को एक रन लेने से इस एक रन के सहारे 104 पहुंचा है इस टीम का स्कोर बहरहाल ये गेंद और सफाई के साथ स्टंपिंग जरूर की मैच कुछ ही रन दूर है दो रन दूरी पर है 48 के निजी मोड पर खेल रहे हैं और दूसरे बल्लेबाज है शिवम बहरहाल स्ट्राइकर एंड पर अब सामना करेंगे गेंदबाज नागेंद्र का परमवीर का और देखना ये होगा कि स्टार की बल्लेबाजी होती है बहरहाल ये गेंद और इसको हल्के हाथों से मैदान के क्षेत्र में जरूर अकेला है वहां पर क्षेत्र टीम का स्कोर लक्ष्य अब सामना करेंगे ये गेंद और अच्छी गेंद लेकिन पूरी तरह से खाना क्षेत्र रक्षण वहां पे गेंद आ रही है वाइड स्टार मैन के सीमा रेखा और एक वाइट और एक ये चार रन अतिरिक्त रूप में 5 रन इस गेंद से मिले 110 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर ये भी कहना होगा कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक एक दबाव जरूर है क्षेत्र रक्षकों में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं बहरहाल लक्ष्य सामने है गेंदबाज के ये गेंद और इसको खूबसूरती के साथ इसको स्क्वायर के क्षेत्र में खेला गेंद जा रही है इसका लक्ष्य मारेगा के बाहर 4 रन के लिए और इस चौके की मदद से लक्ष्य ने अपने अर्धशतक पूरा किया और 5 रन के अब निजी स्कोर पर खेल रहे हैं उस तरह से चूके लक्ष्य 5 रनों के व्यक्तिगत रूप पर ये गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद कही जा सकती है लक्ष्य जरूर वहां पर रन लेने के लिए आगे बढ़ चुके थे मना किया नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने 114 रन बना लिए हैं 11 स्टार मैथिली ने मात्र 2 बल्लेबाज अभी तक आउट होकर के पवेलियन लक्ष्य जो कि अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं तो अब खुल के और आजादी के साथ बल्लेबाजी करने की एक कोशिश जरूर यहां से करेंगे 21 रनों की आवश्यकता 21 रन बनाने में हमारी इसी एक जहान यूट्यूबर ने इस बेहतरीन अर्धशतक के लिए 500 रुपये का पुरस्कार दिया है लक्ष्य को जीजेपी धन्यवाद करते हैं उनका और बहरहाल लक्ष्य एक बार फिर से इस गेंद को हल्के हाथों से धकेला है मिडाउन के क्षेत्र में शॉट मिड विकेट के क्लियरेंस से जब तक फील्ड हो पाती एक रन चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया 115 रन जाके पहुंचा है टीम का स्कोर लक्ष्य 52 रनों के योग पर खेल रहे हैं ये गेंद और इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेला गया मिडाउन के क्षेत्र में हालांकि वहां पर सफाई के साथ फील्ड किया गया और जेपी कहना होगा इस प्रकार के सिंगल्स और पूरी जब बाउंड्री चाहिए बाउंड्री मिल रही है बल्लेबाजों को जब सिंगल चाहिए सिंगल चुरा रहे हैं पूरा मानव वैज्ञानिक दबाव है क्षेत्र रक्षकों पे और इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल रही है गेंद जारी है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए तो इस छक्के की मदद से अब 122 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर अनिश्चितताओं का खेल है किसी भी प्रकार के नाटकीय परिवर्तन इस गेम में देखे जा सकते हैं और एक दो अच्छे ओवर एक दो ब्रेक थ्रो इस गेम को कहीं भी पलट सकती है अपने लक्ष्य से कुछ ही रन अब दूर है मैकुली 11 दो ही विकेट अब तक गिर पाए हैं और अच्छी बल्लेबाजी लक्ष्य और शुभम के द्वारा तैयार है जगदीश आइए जगदीश धन्यवाद तुष्कर फिर देर से ऑन साइड में एक रन के लिए लक्ष्य ने तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लक्ष्य और शुभम शुभम होंगे स्ट्राइक गेंद पर वीरेंद्र है गेंदबाजी के लिए
राइट आर्म ओवर द स्टिक गेंदबाजी के लिए तैयार। शॉर्ट गेंद से पुल कर दिया हल्के से जत्ता बॉल को, उसको अलग बोलते हैं जो तालमेल है ना वो कभी नहीं बना सकता, और इसे कट कर दिया है बॉल फिर ले बोलते से बाहर चारों में। टीम का स्कोर 133। ये जो हरियाणा की टीम है ना वो थोड़े वहीं के खिलाड़ी हैं, 10 के 10 इसलिए खेल रहे हैं, लेकिन इसमें किसे गेंदबाजी पे लगाना, कौन कहाँ फील्डिंग करता, कौन किस क्रम पे बल्लेबाजी करता है वो देखने को आपको मिल रहा है। राइट आर्म ओवर द स्टिक वीरेंद्र गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद फिलहाल शॉर्ट गेंद गेंदबाजी करेंगे शुभम के लिए। शॉर्ट गेंद से खेल रहा है फाइनल लेग के क्षेत्र, वहां पर फील्डर मौजूद है मनीष, जब तक बॉल को फील्ड करें एक रन लेने का मौका, हालांकि हल्की सी मिस हुई लेकिन दोनों ही बड़े तो इस प्रकार इसे खेल दिया है बेहतरीन कहा जा सकता है। जब तक लोग खिलाड़ी बॉल को फील्ड करें, स्वागत SKL चौहान यूट्यूबर ने उनके लिए जो 500 रुपयों का इनाम राशि दी है, मैं लक्ष्य को बधाई के साथ साथ आपको ये 500 रुपये हस्तगत करता हूँ जी। आपको अगली मैच की जो ये 500 रुपये उनको दिया गया है जो की यूट्यूबर ब्लॉगर है हमारे, उनके द्वारा ये 500 रुपये लक्ष्य को दिया गया है। हालांकि शायद मैडम भी वहीं की रहने वाली है इसलिए उनके द्वारा उनको ये अच्छे प्रदर्शन पर 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया। जेपी हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ प्रवासी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया चौहान, चौहान ASKL व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और शंखनाथ ग्रुप द्वारा जो आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट है इसमें जो है ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है मैं बता देती हूँ। हरियाणा से जो है, हम भी हरियाणा से है ना, तो हरियाणा से जो है हमारी टीम आई हुई है और बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन जो है इन्होंने किया है और जीत के जो है अभी ग्राउंड में खड़ी है। और थोड़ा सा जो है हम इनका पीछे ले लेते हैं। धीरेन्द्र सरावत हरियाणा से, हम यहाँ बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ पे मैच खेल गए, अच्छे आदमी हैं आगे, अच्छे मॉल हैं तो बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ बढ़िया टूर्नामेंट हो रही है, कहते सब कुछ बढ़िया है, हाँ बढ़िया आदमी है सब, मजे का काम है कहते, हाँ बढ़िया कहते। हाँ भाई, मेरा नाम आदित्य पांडे है, मैं हरियाणा पानीपत से हूँ। और बाकी यहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग दर्शक सारे हमारे सपोर्टर के हैं, यहाँ जितने भी दर्शक हैं सब यही चाहते हैं कि हम फाइनल उठाएं यहाँ पे। हाँ हमारे जितने, हाँ जितने हमारे प्लेयर हैं सब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें लगता है कि हम फाइनल उठाएंगे। हाँ परफॉर्मेंस और लगातार अच्छे खेल रहे हैं हमारे सारे प्लेयर। अच्छा पहले हमारे मैच में हम फील्डिंग थी, 130 का टारगेट मिला था, हमारे प्लेयर ने 7 ओवर में 130 बना दिए थे 7 ओवर में ही। हाँ जिसमें से धीरेन्द्र सहरावत के 80 रन थे। धीरेन्द्र, हाँ मेरा नाम सुशील है, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे यार दोस्तों के साथ टूर्नामेंट के लिए आए थे। यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें निमंत्रित दिया यहाँ पे आने के लिए, तो मैं इनका आभार प्रतीत करता हूँ। और सारे हरियाणा आए भाई, तो और हाँ कोई दिक्कत ना है, मैम का चैनल है तले ना ना हरियाणा वाले हैं। हेलो, मेरा नाम अमर इंदौरा है, मैं प्रॉपर सोनीपत से हूँ और मैम भी सोनीपत से है, दोनों हरियाणा से हो गए और हम यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने आए हैं हरियाणा से इतनी दूर। और यहाँ पे बस क्या बताऊँ मैं, इतने अच्छे वातावरण में रहकर ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे बस जाऊँ मैं, दोबारा से खेल और यहाँ पे हम टूर्नामेंट बिल्कुल हमारी टीम उठा के जाएगी। जय हरियाणा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आ जाइए सर। और मेरा नाम दर्शन मडवाल, हम इस टीम से आज इनका समर्थन के लिए यहाँ पहुँचे गैरसैन में और आपको सीधे ले चलते हैं इनके टीम मैनेजर जो इस टीम को हर साल और हर वक्त आपके बीच में लाते हैं। ये हमारे जो इस टीम के ऑनर हैं जो इस टीम को हर साल इस मैदान में महल चौरी गैरसैन या माईथान हो या आपका चौकुटिया रानीखेत हो या गौचर हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पटवाल जी हर साल अपनी टीम को लेकर इन क्षेत्रीय जो मैचेस होते हैं उसमें अपना प्रतिभाग में टीम को करवाते हैं। और इस टीम के लिए आज तमाम दर्शक आप देख रहे होंगे, मैं आपसे चाहूँगा कि आप दर्शकों के ऊपर
जी जी, और मैं कहूंगा कि पटवाल जी आप आइए और अपनी टीम के बारे में और अपने हर साल की भांति आपके किस बारे के मैचेस होते हैं, किस बारे खिलाड़ी होते हैं, उनके बारे में आप कुछ करना चाहेंगे? जी धन्यवाद मडवाल जी, धन्यवाद चौहान जी, आपके चैनल को हम बार बार देखते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैखोली की टीम ने गैरसैंण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं अपने सारे ग्रामवासियों और सारे अपनी टीम को और अपने बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दिल की गहराई से आपके चैनल को और टूर्नामेंट कमेटी को और पूरी गैरसैंण की जनता को धन्यवाद। मैखोली की जन धन्यवाद। हाँ हाँ देहरादून, हाँ हमारा पहला रह गया ना हरियाणा का मैच, बहुत बढ़िया सर, हरियाणा वाले हैं सर।